अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम सिलेक्शन टूल्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास तीन टूल्स यहाँ पर होते हैं, इसके अंदर भी कुछ टूल्स होते हैं लेकिन मेन ये तीन ही हैं जिन्हें हम सिलेक्शन टूल्स कहते हैं। इससे हम अपने जो वर्क स्पेस है उसमें कुछ एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सिलेक्शन टूल्स को समझने के लिए मैं क्विकली यहाँ से एक इमेज ड्रैग करके ले आता हूँ आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये अब हमने यहाँ पर एक इमेज ले आए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये हमारे पास तीन टूल्स हैं सिलेक्शन टूल्स जिन्हें हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम पहले नंबर वाले को डिस्कस कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल ये कहलाता है। और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। तो अब मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल से आपके सामने इतना हिस्सा जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो अब इसका मतलब ये है कि इस पूरी लेयर पर सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो एक्टिव है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ब्रश टूल भी ले लेता हूँ, इससे आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये देखें, क्योंकि हमारा जो एक्टिव एरिया है वो हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल से अपना एक्टिव एरिया डिफाइन कर लिया है, सिलेक्टेड एरिया। तो ये सिर्फ उतने हिस्से में इस चीज़ को अप्लाई कर रहा है, बाकी हिस्सा क्योंकि इनएक्टिव है उसे अप्लाई नहीं कर रहा। सिलेक्शन टूल का मतलब ये है कि आप अपना स्पेसिफिक एरिया जो है पूरी लेयर में से सिलेक्ट करते हैं और फिर उस पर आप चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप अपनी लेयर में से कोई स्पेसिफिक हिस्से को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा अभी मैंने ये सिलेक्शन की भी हुई है, तो हम इसे न्यू लेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो हमारे पास न्यू लेयर की सूरत में बन जाए। तो उसके लिए हम पहले सिलेक्ट करेंगे जैसा कि मैंने कर लिया, उसके बाद कंट्रोल जे दबा देंगे सिंपली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बॉक्स में कि लेयर जो है वो ऐड हो गई है, और ये देखें हमारे पास एक सेपरेट लेयर बन गई है लेयर वन के नाम से। अच्छा, अगर आप पूरी लेयर को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप कंट्रोल दबाएंगे और उस लेयर के जो थंबनेल है यानी ये जो इमेज होती है इस पर आप क्लिक करेंगे, तो ये देखें उतनी लेयर आपको सिलेक्ट कर देगा। तो देखें, मैंने कंट्रोल दबाकर उस लेयर के थंबनेल पर क्लिक किया तो जितना भी उस लेयर में हिस्सा था वो उसने सिलेक्ट कर दिया है। इसी तरह से हम पूरी लेयर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नीचे है इस पर हम कंट्रोल दबा के जब क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर इसने पूरी लेयर को ही सिलेक्ट कर लिया। तो आप यहाँ लेयर जीरो की इमेज में देखेंगे यहाँ पर पूरी इमेज आ रही है यानी पूरी लेयर। उसके बरक्स यहाँ पर आप लेयर वन में देखेंगे, क्योंकि हमने सिलेक्शन टूल से कोई स्पेसिफिक हिस्सा इसका सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इतना हिस्सा ही लेयर वन में मौजूद है। तो ये सिलेक्शन टूल का जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि आप अपनी लेयर में से कोई स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर सकें, उसे सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट कर सकें और अपने जो ऑपरेशन है उस स्पेसिफिक हिस्से पर परफॉर्म कर सकें। इसके बाद हमारे पास इलिप्टिकल मार्की टूल होता है यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको दोबारा से रेक्टेंगुलर मार्की टूल की एक और चीज़ समझा दूं। इससे आप फ्री हैंड रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्क्वायर की फॉर्म में सिलेक्शन करना चाहते हैं यानी अगर आप चाहते हैं कि उसकी विड्थ और हाइट जो है वो सेम हो, तो आप आल्ट और शिफ्ट को दबाकर उसे यूज़ करेंगे। ये देखें, अब ये जो चारों साइड्स जो हैं वो उसकी इक्वली इफेक्ट हो रही हैं। तो हमारे पास है एलिप्टिकल मार्की टूल। तो काम इसका भी वही है, ये भी उसी तरह काम करता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये जो है सर्कल की फॉर्म में सिलेक्शन करता है। तो देखिए, मैंने एलिप्टिकल मार्की टूल से इसे सिलेक्ट किया है, तो देखें ये सर्कल की फॉर्म में ज़रा सिलेक्ट हुआ है और मैंने इसकी एक न्यू कॉपी भी बना ली है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी हम लेयर को मूव करेंगे तो हम मूव टूल को ही यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो हमने लेयर को सिलेक्ट करके उसकी नई कॉपी बना ली है। लेकिन अगर मैं लेयर का स्पेसिफिक हिस्सा यानी जिस तरह से अभी मैंने इस सिर्फ इतने हिस्से को सिलेक्ट किया है, तो उसे मैं कॉपी की बनाए बगैर यानी उस लेयर की उस हिस्से की जो हमने सेलेक्ट किया है उसकी कॉपी बनाए बगैर अगर मैं मूव करने की कोशिश करूंगा, तो आप ये देखें ये उसी लेयर में से एक तरह से क्रॉप कर देगा उतने हिस्से को। तो मैं इसे भी डीसेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल डी से। सिलेक्शन
सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए हम कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं। तो देखिए अब जो आपकी लेयर है वो कुछ इस तरह से बन गई है। तो सिलेक्शन टूल का बेसिकली यही पर्पस है कि आप एक लेयर में से स्पेसिफिक हिस्से को सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उसे उसकी कॉपी बना सकते हैं, या उसी लेयर पर रहते हुए स्पेसिफिक हिस्से को सिलेक्ट करके उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा टूल है वो सिंगल रो मार्क की टूल है। तो इससे सिर्फ एक पिक्सेल की रो जो है वो सिलेक्ट होगी, यानी कि रो की शक्ल में सिलेक्ट करता है। अब ये देखें इतना हिस्सा सिलेक्ट है, तो मैं इस पर कलर भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इस पर अप्लाई करके आपको दिखा भी देता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस, और ये देखें सिर्फ उतना हिस्सा क्योंकि सिलेक्ट था तो सिर्फ उतने हिस्से ही पर इसने कलर को अप्लाई किया। ये देखें उसके बाद ये सिंगल कॉलम मार्क टूल है, ये भी उसी तरह रो की तरह, जैसे रो मतलब इसमें डिफरेंस यही है कि वो रो की शक्ल में सिलेक्शन करता है और ये कॉलम की शक्ल में सिलेक्शन करता है। इस पे मैं आपको कलर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये सिर्फ उतने स्पेसिफिक हिस्से ही पर सिलेक्शन एरिया पर ही अप्लाई हो रहा है इफेक्ट। ये देखें जो हमने सिलेक्शन की थी सिंगल कॉलम से, तो ये उस पर हम कलर वगैरह यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सीधी सी बात है कि ये जो दोनों टूल हैं ये कोई इतना यूज़फुल नहीं है। अच्छा, ये टूल्स हमने देख ली हैं और याद रहे कि इनमें हम शेप की डिफरेंट शेप्स की सूरत में सिलेक्शन करते थे, यानी रेक्टेंगुलर या ये सर्कल जो एलिप्टिकल होती है। तो अब हम नेक्स्ट टूल को देख लेते हैं, ये हमारे पास लासो टूल है। तो लेसर टूल से आप फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं, फ्रीली सिलेक्शन कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे और क्लिक को छोड़ेंगे नहीं, आप उसे ड्रैग करते जाएंगे, या आपने लेफ्ट क्लिक दबा कर करना है, इसे छोड़ना नहीं है आपने लेफ्ट क्लिक को, इस तरह से आप और ये आके आप उसे मिला देंगे। तो ये देखें उसकी इसने सिलेक्शन बना दी है, ये देख। आप इसको न्यू लेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कंट्रोल जे के साथ, तो उस सूरत में सिर्फ उतना हिस्सा ही मूव होगा। इसी तरह से पॉलीगोनल लासो टूल है। इस टूल से हम पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इतने हिस्से का हमने जो है वो पाथ बना ली है, और इसकी सिलेक्शन बनाने के लिए हम कंट्रोल एंटर दबा देते हैं। ये देखें नेक्स्ट टूल हमारे पास है मैग्नेटिक लेसो टूल। तो मैग्नेटिक लेसो टूल कलर के हिसाब से आपकी सिलेक्शन करता है। तो देखें जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक को छोड़ूंगा नहीं, उसे आगे ड्रैग करके लेकर जाऊंगा, तो देखें ये सिर्फ येलो हिस्से पर, येलो पार्ट जो है उसी पर सिलेक्शन कर रहा है, क्योंकि ये कलर सेंसिटिव है, कलर के हिसाब से ये सिलेक्शन करता है। तो अब ये देखें इसी तरह मैं इसे आगे लेकर आ रहा हूँ, तो इसका कलर क्योंकि ब्राउन है तो ये सिर्फ ब्राउन हिस्से को ही सिलेक्ट कर रहा है। इसी तरह ये ग्रीन है, तो यानी ये कलर सेंसिटिव है, कलर को देखते हुए ये सिलेक्ट करता है। तो अभी देखिए मैं येलो से बाहर लेके गया हूँ, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा, क्योंकि ये इसका कलर जो है वो येलो से डिफरेंट हो गया ना। कंट्रोल एंटर से हम सिलेक्शन बनाते हैं और ये देखें इस तरह से। तो हम अपने आने वाले सेशंस में पेन टूल को भी डिस्कस करेंगे, जो कि सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखेंगे कि जो लेसो टूल है, मैग्नेटिक लेसो टूल, तो ये बेसिकली कलर पर बेस करता है सिलेक्शन के लिए, और आपकी पूरी लेयर में जो जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसका कलर जो है ये उसे देखता है और उसके मुताबिक उसकी सिलेक्शन करता है।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो क्विक सिलेक्शन है, और क्विक सिलेक्शन भी कलर के हिसाब से जो है वो सिलेक्शन करता है। अब देखिए, मैंने येलो हिस्से पर जो है वो लेफ्ट क्लिक किया था, तो इसने येलो का जो पूरा हिस्सा है उसे सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह मैं ग्रीन पर कर देता हूँ, तो ये देखें, इसका काम ही ये है कि क्विक क्विक सिलेक्शन है, तो ये बहुत जल्दी उस चीज़ को सिलेक्ट कर देता है कलर की बेस पे। अब यहाँ से देखें, ये इतना सा हिस्सा जो है बाहर निकला हुआ है, यानी एक्यूरेट नहीं है, तो हम इसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आप देखेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पर करेंगे तो ये देखें, इसने उसे मैनेज कर दिया। आप इस तरह से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी सिलेक्शन जो है वो आउट हो गई है, तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर हर बार आके इसे सिलेक्ट करेंगे, आप आल्ट दबा कर भी उसे सिंपली ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप आल्ट छोड़ देंगे, तो ये सिंबल आपका दोबारा प्लस पर आ जाएगा इस तरह से। तो देखें, इतना हिस्सा जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो मज़ीद ये जो इसकी बैकग्राउंड से जो कलर आ रहा है, आप इसे भी सिलेक्ट करके ख़त्म कर सकते हैं। देखें, डिलीट का बटन दबाएंगे और ये देखें, यहाँ से ये भी ख़त्म हो गया, और दोबारा से इसे कंट्रोल डी दबा कर डी सिलेक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है मैजिक वेन टूल है, ये भी बहुत मज़े का और इंटरेस्टिंग टूल है। आप इसे यूज़ करते हुए किसी भी कलर पर क्लिक करेंगे, तो ये उस इमेज में जहाँ जहाँ पर वो वाला कलर होगा उसे सिलेक्ट कर देगा। तो इसकी यहाँ पर टॉलरेंस भी दी गई है, तो आप इसे अपनी मर्जी से जो है कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितनी आप टॉलरेंस रखेंगे उस हिसाब से सिलेक्ट करेगा। तो मैं इसका आपको मतलब भी ज़रा समझा देता हूँ, ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अब मैंने ग्रेडियंट बना दिया, जो कि दो कलर्स पर कंसिस्ट करता है, रेड और ग्रीन, यानी ये एक तरह से रेड से ग्रीन की तरफ जा रहा है। तो मैंने इसकी टॉलरेंस जो है वो ऊपर 100 कर दी है। तो देखिए, इसने रेड जो है वो कहाँ तक सेलेक्ट किया है, जहाँ जहाँ पे वो सॉलिड किस्म का रेड है वहाँ वहाँ तक इसने सेलेक्ट कर दिया। अगर मैं इसको 10 करता हूँ और अप करता हूँ, तो आप ये देखें, तो देखिए यहाँ पर जब 10 करने के बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो इसने जो जहाँ पर रेड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, सिर्फ उतना हिस्सा इसने सेलेक्ट किया, बाकी छोड़ दिया। इसी तरह से ये ग्रीन साइड पर भी आप देख सकते हैं, ये सिर्फ टॉलरेंस की वजह से हुआ है। अगर हम टॉलरेंस बढ़ा दें इसकी, तो इसके रिजल्ट्स हमें डिफरेंट मिलेंगे। तो यहाँ पर आप अगर इस ऑप्शन को इनेबल रखेंगे, तो आप एक से ज़्यादा सिलेक्शंस बना सकते हैं इस तरह से। अगर मैं इसे 1 पर रखूँगा, तो आप एट अ टाइम एक ही सिलेक्शन बनाएंगे। ये देख, टॉलरेंस बढ़ाने की वजह से बेसिकली ये डिफरेंस आया। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने वर्क स्पेस पे सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पर 3 बॉक्स बनाए हैं, और उन्हें मैंने डिफरेंट कलर्स जो है असाइन कर दिए हैं। इसी तरह एक और मैंने यहाँ पर एक ऐड कर दी है। अब यहाँ पर मैंने मैजिक वैन टूल लिया है। अब मैं इस रेड को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए इसने ये साथ वाला रेड है इसे भी सिलेक्ट कर लिया। हालांकि ये दोनों डिफरेंट एंटिटीज हैं, ये डिफरेंट हैं, आपस में मर्ज नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि ये ज़रा कलर सेंसिटिव होता है, और ये चेक करता है कि आप जिस हिस्से को यूज़र सिलेक्ट कर रहा है वो आपकी पूरी लेयर में कहीं और भी मौजूद है। अगर कहीं और होगा तो उसे भी सिलेक्ट कर लेगा, जिसकी एग्जांपल ये अभी आपके सामने है। अगर आप चाहते हैं कि अगर ये कहीं ये वाला कलर कहीं और है और ये उसे सिलेक्ट ना करे, यानी जितना हिस्सा आप सिलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ उतना ही करें, तो उसके लिए आप यहाँ पर
कॉन्टिगुअस जो है इस बॉक्स को आप इनेबल कर देंगे, और अब आप क्लिक करेंगे तो देखें उसने साथ वाले बॉक्स को सिलेक्ट नहीं किया, हालांकि उसका कलर सेम। अगर मैं इसे अनचेक करके करता हूँ तो फिर देखेंगे, देखें इसने दोनों को एट अ टाइम सिलेक्ट कर लिया है कलर की बेस। और मैं दोबारा से आपको बता दूं कि जब भी आप कुछ सिलेक्शन बनाते हैं तो आप उसे बाद में डीसेलेक्ट भी करते हैं, तो उसके लिए हम कंट्रोल डी का यूज करते हैं सिलेक्शन को खत्म करने के लिए, सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए। उसकी एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको ऊपर भी मिल जाती है, सिलेक्ट वाले टैब में ये डीसेलेक्ट लिखा हुआ है, और देखें आगे उसकी शॉर्ट की भी मेंशन है कंट्रोल डी। अब मैं इतना हिस्सा ये जो ग्रीन वाला है उसे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है इन्वर्स की, उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल आई। मैं शिफ्ट कंट्रोल आई जो है वो प्रेस करता हूँ। अच्छा, पहले तो ये था कि सिर्फ ग्रीन कलर जो है वो एक्टिव था, लेकिन अब हमने क्योंकि इस पे इन्वर्स की कमांड अप्लाई कर दिया तो अब ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी पूरी लेयर जो है वो एक्टिव हो चुकी है। देखें सिर्फ ग्रीन पर नहीं ये अप्लाई होगा क्योंकि ग्रीन इस टाइम एक्टिव नहीं है, बाकी पूरा हिस्सा जो है वो एक्टिव है। ये किस वजह से हुआ है? ये हमने इन्वर्स की कमांड जो है अप्लाई की है उस वजह से हुआ। तो ऑप्शन के आपको ये सिलेक्शन टूल्स जो हैं वो समझ आए होंगे। अभी के लिए आपको मैं यही बताऊंगा कि सिलेक्शन टूल का काम आपकी लेयर में से स्पेसिफिक हिस्से को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आप उस स्पेसिफिक हिस्से पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई कलर वगैरह उसे कर सकते हैं। इसके और भी कुछ यूजेस हैं, वो हम आने वाले सेशंस में